नमस्कार साथियों, मैं संजीत और एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज का हमारा टॉपिक है मयूराक्षी नदी। झारखंड के देवभूमि देवघर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। इसी त्रिकूट पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। तो आज हम लोग आज के इस क्लास में मयूराक्षी नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं मुख्य मुख्य बातें जो इस टॉपिक से संबंधित है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। मयूराक्षी का मतलब ये होता है मोर का आंख, यानी पीकॉक्स आईज। माना जाता है कि जब सूर्य की किरणें इस नदी के साफ जल पर पड़ती है तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मोर के नेत्र की भांति, मोर पीकॉक की आईज की भांति जो है वो ग्लो करते हैं, चमकते हैं। इसी वजह से इस नदी का नाम जो है वो मयूराक्षी नदी रखा गया है। वही मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि मयूराक्षी मीन्स पीकॉक्स आईज। व्हेन सन रेज फॉल्स इन द क्लियर वाटर ऑफ दिस रिवर इट्स क्रिस्टल ग्लोज लाइक अ पीकॉक्स आईज। इस नदी का कुछ और नाम से भी लोग वहां पर जानते हैं, जैसे मयूराक्षी नदी का नाम ही है, दूसरा नाम क्या है, पीकॉक। पीकॉक मतलब मोर के नाम से भी इस नदी को जानते हैं, यानी मयूराक्षी और मोर नदी। ये तो कॉमन है, लोग आसानी से समझ जाएंगे कि मयूराक्षी नदी ही मोर नदी के नाम से जाना जाता होगा एग्जाम में यदि पूछ दे तो, है ना। लेकिन यदि पूछे कि मोतिहारी किस नदी का दूसरा नाम है तो मोतिहारी से थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मोतिहारी भी इसी नदी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। यानी मयूराक्षी का तीन नाम हम लोग जान गए। पहला मयूराक्षी क्यों इसे मयूराक्षी के नाम से जाना जाता है ये भी हम लोग समझ गए। दूसरा इसका नाम क्या है, मोर। और तीसरा इसका नाम जो है वो क्या है, मोतिहारी, है ना। इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो कहां पर है, अभी मैंने बताया कि देवघर, है ना, जो देवघर से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है त्रिकूट पर्वत। इसी त्रिकूट पर्वत से इसका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब ये नदी जो है वो निकलती है। ये त्रिकूट पर्वत वही स्थान है जहां पे 10 अप्रैल को, है ना, 10 अप्रैल 2022 ईस्वी को रोपवे वाला दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। 3 लोग जो थे वो डेड हो गए थे, मर गए थे इस दुर्घटना में, है ना। और लगभग 45-46 घंटे तक लोग जो थे वो इसमें ट्रैप्ड थे, फंसे हुए थे। पहले दिन ही शायद 28 लोगों को रेस्क्यू किया कर लिया गया था, लेकिन बाद में सेना का हेल्प लिया गया था और उसके हेलीकॉप्टर्स के द्वारा रिलीफ चलाया गया था, तब जाके बाकी लोगों को बचाया गया था। फिर भी ये दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई थी इसी त्रिकूट पर्वत पे। और ये जो आप रोपवे देख रहे हैं, यही रोपवे का केबल्स जो है वो आपस में, ट्रॉली जो है वो आपस में कोलैप्स कर गई थी और इसमें दुर्घटना घट गई थी। ये भी आपदा से एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने ये और करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रोपवे दुर्घटना जो है वो झारखंड में कहां पर हुई थी, तो त्रिकूट पर्वत पे हुई थी। कब हुआ था, तो 10 अप्रैल 2022। कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो इसी त्रिकूट पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मयूराक्षी नदी, है ना। अब आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि मयूराक्षी नदी जो है वो और क्या क्या है। टोटल लेंथ की यदि हम लोग बात करें तो मयूराक्षी नदी का टोटल लेंथ का हम लोग बात करते हैं तो इसका टोटल लेंथ जो है वो कितना है, 250 किलोमीटर। मयूराक्षी नदी का टोटल लंबाई जो है वो 250 किलोमीटर। यहां से ये नदी त्रिकूट पर्वत से ये नदी निकल रही है ना, त्रिकूट पर्वत से निकल के ये आगे बढ़ते हुए इस तरह से ये एंडिंग पॉइंट जो है वो इसका हुगली है। हुगली नदी में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी जो गंगा का ही पार्ट है उसमें जाकर ये नदी मिल जाती है, अपना वाटर को ड्रेन्स कर देती है, ठीक है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरी की यदि हम बात करें तो कौन सा है, धोवाई, तीपरा, भामरी, पुसरो और दौना, ये सारी नदियां जो है वो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं।
हमें इनकी सहायक नदियों का भी नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी किसी भी कोई भी रैंडमली एक नाम उठा लेता है और पूछ दिया जाता है कि ये किस नदी की सहायक नदी है। तो ऐसे में हमें नाम को दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना है। धोवाई, तिपरा, भामरी, पुसरो और दौना, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो मयूराक्षी की सहायक नदी है ना। मयूराक्षी नदी, जैसा कि मैंने बताया कि हुगली में, पश्चिम बंगाल के हुगली में ये अपने वाटर को गिराती है, यानी दोनों आपस में मिल जाती है, ठीक है। झारखंड की एकमात्र जो नौका गम्य नदी है वो कौन है? मयूराक्षी नदी है। ये भी बहुत अच्छा सुपर क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि झारखंड का एकमात्र नेविगेबल रिवर कौन सा है, किस नदी में नौकायान किया जा सकता है? तो वो नदी कौन सी है? आपकी मयूराक्षी नदी ही है, जिसमें नौका गम्य किया जा सकता है, यानी नौका का परिचालन किया जा सकता है, बोटिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इन चीजों को हमने देखा। नेक्स्ट के स्लाइड में और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वही चीज मैं यहाँ पे जिक्र किया हूँ कि सुटेबल फॉर नेविगेबल ओनली वन ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड की एकमात्र रिवर है जिसमें आप देख रहे हो कि क्या है, नौकायान चलाने के लिए सुटेबल जो कंडीशंस है वो इसमें अवेलेबल है, ठीक है। चलिए और इसके बारे में हम लोग जाने कि इसी मयूराक्षी नदी पर ही झारखंड का एक बहुत फेमस डैम बनाया गया है, जिस डैम का नाम क्या है? मसानजोर डैम, ठीक है। इस नदी से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स है सबको मैंने यहाँ पे टच करने की कोशिश किया हूँ कि द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ मसानजोर इज द मसानजोर डैम। मतलब मसानजोर डैम जो है वो किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पे है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मसानजोर डैम का ही नाम, दूसरा नाम जो है वो क्या है? कैनेडा डैम, ठीक है। इसे कैनेडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या है कि इस डैम की स्थापना जो है, यानी इस डैम का निर्माण जो है वो कनाडा की सहायता से किया गया है, यानी भारत सरकार और कनाडा की सरकार जो है वो दोनों मिलके इस डैम का निर्माण जो है वो वर्ष 1955 ईस्वी में, ठीक है, 1955 ईस्वी में इस मसानजोर डैम की स्थापना भारत सरकार और किसने, तो कनाडा की सरकार ने दोनों मिलके किया था। इसीलिए इस मसानजोर डैम का दूसरा नाम क्या है? कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये आपका कहाँ का सीन है, तो आपका ये मसानजोर डैम का ही सीन है। और उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया हूँ कि द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ मसानजोर इज द मसानजोर डैम, ठीक है। That was built in 1955. मैंने अभी बताया कि मसानजोर डैम की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1955 में, ठीक है। Assistance from Government of Canada, यानी कनाडा की सरकार की सहायता से हम लोग उस समय इस डैम का निर्माण किए थे, और इसी वजह से मसानजोर डैम का ही दूसरा नाम क्या है? कनाडा डैम। The dam is standing with a height of 155 feet, मतलब इस डैम की ऊंचाई जो है वो कितना है? 155 feet, और लेंथ की यदि हम बात करें तो 2170 feet, लेंथ इसकी लंबाई कितनी हो गई? 2170 feet, और ऊंचाई की बात करें तो कितना हो गया? 155 feet, है ना। Besides the surrounding forest areas and hills offer some great views of nature at its base. आप आसपास के सीनरीज को देख के समझ सकते हो कि ये कितना खूबसूरत व्यू है। एक झारखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी मसानजोर डैम को जाना जाता है, जहां पे झारखंड, बिहार और बंगाल से लगातार सालों भर जो है वो टूरिस्ट इस प्लेस पे आते रहते हैं और यहाँ पे पिकनिक मनाते रहते हैं, है ना। और तरह तरह की चीजें, एडवेंचर्स वगैरह किया जाता है, ठीक है। एक चीज और आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसी मयूराक्षी नदी पर ही झारखंड का सबसे लंबा पुल बनाया गया था, जिस समय हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री थे उसी समय इसका जो है वो उद्घाटन किया गया था। और इस पुल की यदि हम लंबाई की बात करें, है ना, तो इस पुल की लागत की बात यदि सबसे पहले करें तो 143 करोड़ रुपया, है ना, 143 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण
किया गया था, जो झारखंड का क्या है सबसे लंबा पुल है, और इसकी लंबाई की हम यदि बात करें तो कितना है 2.34 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी खर्च की यदि मैं बात करूं तो कितना है 198 करोड़, माफ करिएगा, है ना, खर्च जो है वो इसमें बनाने में कितना हुआ है 198 करोड़ रुपया, आप जैसा कि यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और लंबाई की बात करें तो वो कितना है 2.34 किलोमीटर। ये झारखंड का सबसे लंबा पुल है नदी पर, है ना, किस नदी पर है तो मयूराक्षी नदी पर है, ठीक है। और उद्घाटन किसने किया था भाई, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री। कब हुआ है उद्घाटन, 30 अक्टूबर 2023 ईस्वी को, ठीक है, 30 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया था। लागत 198 करोड़, लंबाई 2.34 किलोमीटर, ठीक है। इसी नदी के किनारे पर, है ना, इसी नदी के किनारे पर दुमका में एक मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस मेले का नाम है हिजला मेला, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि हिजला मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, किस जिले की मेला है, तो हिजला मेला जो है वो दुमका में आयोजित किया जाता है। और किस नदी के किनारे किया जाता है, तो मयूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है। मैं बता दूं कि यह जो मेला है वो एक सप्ताह तक मनाया जाता है, ठीक है, एक सप्ताह तक पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले जो इस मेले की शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1890 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1890 ईस्वी में इस मेले की शुरुआत हुई थी, 1890 फरवरी 3 फरवरी 1890 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। हिजला मेला वॉज स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ देन ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जॉन रॉबर्ट्स कास्टर्स, यानी उस समय ब्रिटिश पीरियड में इस मेले का आयोजन जो था वो ब्रिटिश और ट्राइबल्स को बीच, आपके बीच में कम्युनिकेशन लाना था कि किस प्रकार से इन आदिवासियों को अपने बीच लाया जा सके और सरकार से इसको जोड़ा जाए। It is believed that the fair was started with the aim of understanding local traditions, customs and social regulation and communicate directly to the local people, है ना, क्योंकि tribals जो थे इस area में वो British से काफी दूर रहा करते थे, मतलब उनके क्लोज आना नहीं पसंद करते थे। इसी वजह से 3 फरवरी 1890 ईस्वी में 1890 में हिजला मेला की स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा, तो उस समय के जो तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जॉन रॉबर्ट्स, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में भी, आज भी जब हिजला मेला आयोजित की जाती है तो इसके माध्यम से झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होती है उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, और विभिन्न योजनाओं के द्वारा इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश की जाती है, है ना। जनरली दिस फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द शुक्ल साइड ऑफ माघ फागुन फॉर वन वीक। स्टार्ट कब हुआ था भैया झारखंड में, तो 2008 ईस्वी में इसे एक महोत्सव के रूप में दिया नाम दिया गया था, यानी वर्ष 2008 में हिजला मेला को एक महोत्सव का नाम दिया गया, लेकिन वर्ष 2015 में इसे एक स्टेट फेयर का डिक्लेरेशन किया गया, मतलब कि 2015 में इसे एक राजकीय मेला का दर्जा दिया गया कि हिजला मेला कोई आम मेला नहीं है बल्कि एक राजकीय मेला है। तो आज के इस स्लाइड में हमारा क्लास यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि मयूराक्षी नदी, मसान जोड़ और हिजला मेला से संबंधित सारे टॉपिक्स आप समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।